फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के प्रयोग, जिसका अर्थ होता है थोड़ा सा, जरा सा, के तरह, या इस प्रकार का, या फिर इस तरह का। ऐसे वाक्यों का प्रयोग हम इंग्लिश में किस तरह से करते हैं, ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, ऐसे ही सेंटेंसों को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि और भी ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या आप थोड़ा सा पतले हैं। यहाँ पर जो थोड़ा सा शब्द है, इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। आर यू सॉर्ट ऑफ थिन, सॉर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आर यू काइंड ऑफ थिन, काइंड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। दो तरीके से ऐसे सेंटेंसों को बोला जा सकता है। अब देखिए, हाँ मैं थोड़ा सा पतला हूँ, हाँ मैं थोड़ा सा पतला हूँ। यस आई एम सॉर्ट ऑफ थिन, यस आई एम सॉर्ट ऑफ थिन, या फिर नो आई एम काइंड ऑफ थिन, नहीं मैं थोड़ा सा पतला हूँ। मैं जरा सा मोटा हूँ, ये सेंटेंस देखिए, मैं जरा सा मोटा हूँ। इसे कैसे बनाएंगे, आई एम सॉर्ट ऑफ फैट, आई एम सॉर्ट ऑफ फैट, या फिर आई एम काइंड ऑफ फैट, आई एम काइंड ऑफ फैट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाँ मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, हाँ मैं थोड़ा सा मोटा हूँ। यस आई एम सॉर्ट ऑफ फैट, या फिर यस आई एम काइंड ऑफ फैट। दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, वह जरा सी लालची है, वह जरा सी लालची है। सेंटेंस क्या बना, सी इज काइंड ऑफ ग्रीडी, सी इज काइंड ऑफ ग्रीडी, या फिर सी इज सॉर्ट ऑफ ग्रीडी, सी इज सॉर्ट ऑफ ग्रीडी। दोनों तरह से आपसे बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं थोड़ा सा लंबा हूँ, मैं थोड़ा सा लंबा हूँ। इसके लिए सेंटेंस क्या बना, आई एम सॉर्ट ऑफ टॉल, आई एम सॉर्ट ऑफ टॉल, या फिर आई एम काइंड ऑफ टॉल, आई एम काइंड ऑफ टॉल। अगला सेंटेंस देखिए, वह थोड़ा सा मूर्ख है, वह थोड़ा सा मूर्ख है। सेंटेंस क्या बना इसका, ही इज काइंड ऑफ फूल, ही इज काइंड ऑफ फूल, या फिर ही इज सॉर्ट ऑफ फूल, ही इज सॉर्ट ऑफ फूल। अगला सेंटेंस देखते हैं प्लूरल सब्जेक्टों के साथ, वे लोग थोड़ा सा लालची हैं, वे लोग थोड़ा सा लालची हैं। सेंटेंस क्या बने इसके, दे आर काइंड ऑफ ग्रीडी, दे आर काइंड ऑफ ग्रीडी, या फिर दे आर सॉर्ट ऑफ ग्रीडी, दे आर सॉर्ट ऑफ ग्रीडी। दोनों तरह से आप इन सेंटेंसों को बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह थोड़ी सी शर्मीली है, वह थोड़ी सी शर्मीली है। सी इज काइंड ऑफ साई, या फिर सी इज सॉर्ट ऑफ साई, सी इज काइंड ऑफ साई, या फिर सी इज सॉर्ट ऑफ साई। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे लोग थोड़ा सा थके हैं, वे लोग थोड़ा सा थके हैं। सेंटेंस क्या बने इसके, दे आर सॉर्ट ऑफ टायर्ड, दे आर सॉर्ट ऑफ टायर्ड, या फिर दे आर काइंड ऑफ टायर्ड, दे आर काइंड ऑफ टायर्ड। अगला सेंटेंस देखिए, हम थोड़ा सा परेशान या चिंतित हैं। आप दोनों शब्द बोल सकते हैं, परेशान या फिर चिंतित। हम थोड़ा सा परेशान या चिंतित हैं। वी आर सॉर्ट ऑफ वरीड, या फिर वी आर काइंड ऑफ वरीड, वी आर सॉर्ट ऑफ वरीड, या फिर वी आर काइंड ऑफ वरीड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
वो थोड़ी सी घबराई हुई है। सी इज सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूज्ड या फिर सी इज काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड, वो थोड़ी सी घबराई हुई है। अब देखते हैं इस तरह का, इस प्रकार का या फिर के तरह का, ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें। पहला सेंटेंस, मुझे इस तरह का काम पसंद नहीं है। मुझे इस तरह का काम पसंद नहीं है। आप इसमें देखिए, इसमें इस तरह का शब्द आ रहा है। इसके लिए हम क्या कहेंगे, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ वर्क या फिर आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ वर्क। आप दोनों तरह से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं इस प्रकार के कपड़े नहीं पसंद करता हूँ। इसे कैसे बोलेंगे, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस या फिर आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ड्रेसेस। आप डू नॉट भी बोल सकते हैं, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस या फिर आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ड्रेसेस। आइए लास्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे इस तरह की वीडियो पसंद है। आई लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो या फिर आई लाइक दिस सॉर्ट ऑफ वीडियो। दोनों तरह से आप ऐसे वाक्यों को बोल सकते हैं। आशा करते हैं गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी और समझ में भी आएगी। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। गुड बाय, टेक केयर।